क्वेश्चन नंबर जो 4 है एक्सरसाइज 8.2 का, ठीक है, तो देखने में बड़ा लग रहा है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा है। जिस मीडियम में आप पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी में नोट करें, इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंग्लिश में नोट करें, ठीक है। ये कहता है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, फिगर हमें दिया गया है क्वेश्चन में। ए बी सी डी एक क्या है, ट्रेपीजियम है, इन विच जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के। अब बी डी इज अ डायगोनल, बी डी जो दे रखा है हमारे पास डायगोनल है, एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अ लाइन इज ड्रॉ थ्रू ई, ई से पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग एट किस पर, बी सी पर, एफ पॉइंट से, ठीक है, एट एफ पर, सो दैट एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमें ये सो करना है एफ क्या मिड पॉइंट है, किसका, बी सी का। ये हमने यहां पे इंटरसेक्ट करी तो इसको हमने पॉइंट मान लिया जी। हिंदी में है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, साथ ही बी डी विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। देखिए तो ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, ये सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी डी, चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। क्या है इसमें दिया गया है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, दिया है ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। तो मैं लिखूंगा ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ये क्या है हमारे पास गिवन है, दिया है ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ठीक है। और क्या दिया है, और हमें दिया है, ठीक है, ई से होकर है ना, ई से होकर ए बी के समांतर, ई से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींची जा रही है एफ तक, जिसमें अगर पॉइंट लूंगा जहां इंटरसेक्ट कर रहा है बी डी डायगोनल को जी, तो ये भी इसके समांतर होगा, ये भी रेखा समांतर है पूरी, तो ये भी ई जी किसके समांतर होगा, ए बी के, ठीक है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ई जी समांतर होगा किसके, ए बी के, ये भी क्या है हमारे पास गिविन है ना, दिया है, ठीक है। अब जो है इससे क्या होगा, इससे जो है जी भी मिड पॉइंट होगा बी डी का, जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है, किससे, इसके कन्वर्स से, जो हमारे पास मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम है ना, उससे जो है हम कह सकते हैं ये भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो मैं ले कह सकता हूं जी भुजा, जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो जी, जी विल बी जी पॉइंट, जी विल बी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी डी का। इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं है ना, मैथमेटिक्स में जो एरर होती है लैंग्वेज एरर को, उस पर मार्क्स कटते नहीं है, ठीक है। पॉइंट जी विल बी मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास ये हो गया। अब बात करेंगे त्रिभुज बी सी डी में, है ना, अब बात करेंगे हम त्रिभुज बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी, इज ना। तो इसको हम क्या करना चाह रहे हैं ना, हम करना चाह रहे हैं, हमें जो है मिल जाए
दर्शाइए कि भुजा BC का मध्य बिंदु F है, ठीक है। अगर मैंने ये शो कर दिया G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, इसी मैं स्ट्रेंगल में लूंगा, जब G मिड पॉइंट है BD का और हमें DC के समांतर क्या हो जाएगी GF समांतर है उसके, तो इसके कन्वर्स से भी क्या हो जाएगा, F जो है मिड पॉइंट होगा BC का, कन्वर्स है ना। तो यहां पे लिखना चाहो तो लिख देना MPT, कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ MPT, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय का जो कन्वर्स है, हिंदी में लिखना चाहो मध्य बिंदु के विलोम से, विलोम से, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें जो है अब हमें क्या लेना है, त्रिभुज इसमें, हाँ इसमें हमने ऊपर सिद्ध कर चुके हैं जी इज द मध्य बिंदु है ना, हम क्या लिखेंगे जी बीडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इंग्लिश में लिखना चाहो जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ठीक है, ये कर दिया हमने। और देखिए क्या दिया है, ए बी समांतर है डीसी के, है ना, उसके बाद ई से होकर ए बी के समांतर हमने एक रेखा खींची है ना, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये भी जो है इसके समांतर होगी। तो मैं कह सकता हूं एफ जी भी समांतर होगी किसके, सी डी के, ठीक है। जब ये समांतर होगी तो इसके कन्वर्स है जो एफ पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, बी सी का। तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है, इसमें लिख सकता हूं एफ एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है ना, किससे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमें शो करना था क्या एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हमें शो करना था एफ क्या है, भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो ये छोटा क्वेश्चन था, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।